कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है वेटनरी जो डॉक्टर होता है, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर बनने की पूरी कंप्लीट प्रोसेस मैंने जो है पिछले वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड करा दी है। बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थे इंस्टाग्राम पे कि सर आप जो है एक कंप्लीट वीडियो बताओ जिसमें कॉलेज की फ़ी के बारे में डिस्कस करो कि कितनी कॉलेज होती है, वेटनरी डॉक्टर जब हम बनेंगे तो हमें कॉलेज मिलेगी उसमें कॉलेज की फ़ीस क्या रहती है। ठीक है, सबसे पहले तो काफ़ी स्टूडेंट को ये जानना है क्योंकि मुझे पता है आप या हम हैं तो सब जो है मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं और मिडिल क्लास फैमिली से कॉलेज की जो फ़ी होती है वह सबसे पहले जानने का मन करता है। जब आपको कॉलेज भी मान लो कि मिल जाए लेकिन जब आप उसको जो जब आपको जो है पता लगे कि उसकी जो है फ़ीस बहुत हाई है, ऐसे में तब आप नहीं करोगे। ऐसे में आपका साल भी एक साल जो है वह ख़राब हो जाएगा, आपकी उतनी मेहनत ख़राब हो जाएगी। उससे पहले अगर आपको पता चल जाए कि भाई कॉलेज की फ़ीस इतनी है तो आपको आसानी रहेगी। तो आज के यानी इस वीडियो में कॉलेज की फ़ी बताने वाला हूँ, उसी के साथ में जो बेस्ट कॉलेज है, ठीक है, बेस्ट जितने भी कॉलेज है डिग्री के लिए, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर जो होता है वो डिग्री करके बनता है, ठीक है ना, जो डिग्री होती है हमारी RPUT उसके करने के बाद में। तो देखिए कॉलेज की यहाँ पर मैं फ़ीस की बात करूँ तो सबसे पहले लेता हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज को, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज को यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रहा हूँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस है स्टूडेंट वह जो है इसकी पर ईयर की फ़ीस रहती है वह लगभग जो है 18,000 रुपये रहती है, ठीक है। ये जो है फ़ीस थोड़ी बहुत जो है कम चेंजेस यानी हो जाती हैं, जैसे कि आपको जो है जैसे हमारी टोटल जो वेटनरी कॉलेज है, ठीक है ना, डिप्लोमा के लिए 82 वेटनरी कॉलेज है और उनमें से डिग्री के लिए भी जो है वेटनरी कॉलेज है। तो उनमें से क्या होता है गवर्नमेंट में जब आप RPUT फाइट करते हो यानी प्री एग्ज़ाम फाइट करते हो, प्री एग्ज़ाम फाइट करने के बाद में जो है आपको कॉलेज मिलती है, तो उस कॉलेज के मिलने के बाद में अगर आपको गवर्नमेंट मिलता है तो आपको 20,000 रुपये से कम में ही जो है आसानी से आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो जनरल से हो, OBC से हो, SC से हो, चाहे ST से हो, लेकिन SC, ST और MBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको या फिर जो BPL श्रेणी में होते हैं उनको कुछ पैसा जो है वापस रिफंड भी कर दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छा है, यानी उनको जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म लगाना होता है और इनको जो है उनको जो है वापस जो है रिफंड का फॉर्म भी जो है उनको मिल जाता है। तो अगर आप भी अगर वेटनरी करना चाहते हो और अभी आपको ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, इसमें मैं आपको बेस्ट कॉलेज भी बताने वाला हूँ। अब हम बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की, जो है प्राइवेट कॉलेज की जो है फ़ीस कितनी होती है। देखिए स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज की जो फ़ीस होती है, कई ऐसे कॉलेज है जिनकी फ़ीस जो है 3 लाख रुपये पर ईयर की होती है, कई ऐसे कॉलेज है जिनकी 5 लाख रुपये पर ईयर की होती है, यानी इनके बीच में जो है इनके 4 लाख मान लो 3.5, ऐसे में बहुत सारी जो है कॉलेज है जिनकी फ़ीस अलग अलग होती है लेकिन फिर वो लाख पर आ जाती है क्योंकि वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट रहता है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप सभी को होता है फ़ीस हाई रहती है। फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जब आपको कॉलेज मिलेगा, ठीक है, मान लो कि आपने काउंसलिंग जो है करवाई और आपके जो है गवर्नमेंट जितने परसेंटेज यानी जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलाउड नहीं हुई, ऐसे में आपको अगर प्राइवेट कॉलेज अलाउड होती है तो स्टूडेंट आपको जो है प्राइवेट कॉलेज में जो पैसा जो है उनको जो है आपको जो है एक लेटर भेजा जाता है कॉलेज की तरफ से कि आपको इतनी फ़ीस और ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको जमा करवाएं, तो उनमें लिखा होता है कि इतनी फ़ीस आपको पहले जमा करवानी होती है, उसके बाद में आप सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फाइव ईयर की, इस प्रकार से आपको जमा करवानी होती है। इसी के बीच में कई बार क्या होता है कई जो है आपके स्काउट कैंप वगैरह है फील्ड में ले जाते हैं, वो पैसे आपके अलग से लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डिस्कस हो गई, आपको पता चल गया होगा प्राइवेट और गवर्नमेंट की फ़ीस क्या है। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट कॉलेज के बारे में कि बेस्ट कॉलेज जो है वह कौन कौन सी है जिसके माध्यम से आप जो है वेटनरी का जो है एक डिग्री कोर्स या फिर वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो। देखिए सर्वप्रथम मैं यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर के लिए जो बेस्ट जो है कॉलेज बताऊँगा वो है राजूवास, ठीक है। राजूवास जो है वो बीकानेर में है, ठीक है। राजूवास बीकानेर जो है वो बेस्ट कॉलेज है अगर आप डॉक्टर करना, अगर आप BVC & AH, ठीक है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री का कोर्स करना चाहते हो
तो, या फिर आप जो उदयपुर की संस्था है ना वहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। सेकंड जो हमारी जयपुर का संस्था है ना वहाँ से भी आप जो है ये कर सकते हो। थर्ड यहाँ पर जो बांसवाड़ा में जो हमारा वेटनरी कॉलेज है वहाँ से भी आप जो है कर सकते हो। ऐसे में जो स्टूडेंट मैंने 4-5 आपको जो है वेटनरी कॉलेज बताई, ये टॉप रेटेड जो है वेटनरी कॉलेज, यानी इनकी काफ़ी अच्छी रेट है। अगर ये अगर आपको इनमें से कोई गवर्नमेंट कॉलेज अगर अलाउड होता है तो आपकी फ़ीस बहुत ही कम होती है, अन्यथा आपको फ़ीस हाई देनी होती है। और फिर आपको जो उसके प्लस के साथ में आपको हॉस्टल फ़ी हो जाएगी, आपके बुक्स वगैरह क्या हो जाएगा, यानी काफ़ी खर्चा। अगर आपको एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिलता है तो सालाना पर ईयर का आप मान के चलो, मैं कम बता रहा हूँ, मिनिमम जो है 10 लाख रुपए आपकी जो है पर ईयर की यहाँ पर आपकी फ़ीस हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो 5 से 5.5 ईयर का ये जो कोर्स होता है तो बहुत ज़्यादा पैसे आपको इसमें लग जाएंगे। तो आपको जो है आप कोशिश करें कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही अलाउड हो। और भी अगर आपको कुछ भी जानना हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी अशोक प्रजापत 952 वहाँ से आप कमेंट कर सकते हो, आपको 100% जो है रिप्लाई मिलेगा। और वेटनरी से संबंधित चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि यहाँ पर आपको न्यू अपडेट दे दी जाएगी। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।